ये है एनटीसी मशीन। फरीदाबाद के पास में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक डाला जा रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशुतोष झा जी हैं। आइए उन्हें से बात करते हैं जो कि इस मशीन के इंचार्ज हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 1000 किलोमीटर का ट्रैक ये मशीन देश भर में डाल चुकी है, 2015 से काम कर रही है। तो आखिरकार इस मशीन की खूबियां क्या हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, इस पर बातचीत करने के लिए आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर ये बताइए कि जब इस मशीन पर आप बैठते हो तो क्या फीलिंग आती है? सर बहुत अच्छा फीलिंग आती है क्योंकि ये देश का अर्थव्यवस्था बदलने में ये बहुत कारगर मशीन है सर। अच्छा, ये मशीन लोग कहते हैं ऑटोमेटिक है, किस तरीके से काम करती है ये सर? एक्चुअली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसका जो दो पोर्शन में हम काम करते हैं, जैसे हमारा पैनल खींचना, स्लीपर डालना, जब ये दोनों काम मिलता है तब हम इसको बोलते हैं ट्रैक डालना। लेकिन ये दो पार्ट में होता है, जो पैनल खींचते हैं वो हमारा सर मैनुअल है, लेकिन जो स्लीपर का ड्रॉपिंग है जिससे हम ट्रैक लेइंग बोलते हैं वो ऑटोमेटिक है सर इसका। मतलब ट्रैक लेइंग जो है ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर आप पटरियाँ देख सकते हैं कि किस तरीके की पटरियाँ हैं और ये ऑटोमेटिक तरीके से चलाई जाती है। आप इसका रिमोट भी देख सकते हैं, यहाँ से इसको चलाने के लिए अलग से हम कह सकते हैं लोग हैं जो इसको चलाते हैं। ये कब से मशीन काम कर रही है? सर ये मशीन भारत में पहली बार 2015 में आई थी, US मेड है सर। ये मशीन पार्ट बाय पार्ट में हमारे पास में आई थी शिप में लोड होके, यहाँ पे हमने इसको कमीशनिंग किया खुद से, भारत के इंजीनियर हम लोगों ने उनके साथ मिलके इसको कमीशन किया है। उसके बाद हमने पहली बार इसको भगेगा नीम का थाना जगह है वहाँ से इसको चालू किया, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। रेवाड़ी से लेके पालनपुर तक हम लोगों ने काम किया, करीब 1000 किलोमीटर का काम हम लोगों ने इस मशीन से किया और सक्सेसफुली किया। तो एक आप समझिए, 1000 किलोमीटर का ट्रैक ये मशीन डाल चुकी है, यानी भारत की जब इतिहास की बात करेंगे, रेलवे के इतिहास की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस मशीन का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो यहाँ जब हम कहते हैं कि मैनुअल तरीके से जब ट्रेन यानी पटरियाँ बिछाई जाती हैं और एक इससे डालते हैं, दोनों में कितना फर्क आता है? सर बहुत फर्क आता है, मैनुअल लिंकिंग में हमारा आदमी बहुत लगता है और दूसरी बात क्या कि हमारे पास टाइम बहुत लगता है सर। मेन दिक्कत ये टाइम का, अभी हमें कम टाइम में अच्छा करके दिखाना है देश में, क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय नहीं, बहुत कम समय लगता है इसमें डालने में हमारा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, जब पटरी बिछाई जाती है तो उसकी जो प्रिसीजन है, या हम कह सकते हैं कितना प्रिसाइज तरीके से डालना है, वो क्या इसमें पहले से सेट किया होता है या बाद में भी करते हैं? जी सर पहले से सेट करते हैं हम लोग। जैसे हम ये मेन लाइन डाल रहे हैं तो इसका स्पेसिंग हमारा 600 mm का है, तो हम लोग ने इसको 600 डाल रखा है। अगर ये यार्ड में डालते हैं जहाँ हमारा स्टेशन रहते हैं, उसका स्पेसिंग अगर डिफरेंट है, 650 है या जो भी है, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर पहले से ही हम कह सकते हैं एक सेंट्रल लाइन बनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सेंट्रल लाइन बनी हुई है और इसको पहले से ही खींचा जाता है। ये सेंट्रल लाइन क्यों खींची जाती है? ट्रैक सेंटर के लिए, ताकि हमारा ट्रैक जो डिजाइन किया हुआ है उसी डिजाइन के हिसाब से हम लोग काम करें, तो इसको इसके लिए हम पहले इसको खींच के रखते हैं। और नीचे यहाँ पे एक पॉइंटर लगा है जिसको उस रिमोट के सहारे से इस लाइन के ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारा ट्रैक डिजाइन वे में चलेगा सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैक डाला जा रहा है और ये मशीन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में ऑटोमेटिक तरीके से ट्रैक लेइंग की पहली मशीन है ये कहा जा सकता है, क्योंकि 2015 से इसने काम करना शुरू किया और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक अब तक डाल चुकी है। और यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर ये काम चल रहा है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में हम कह सकते हैं कि NTC मशीन ट्रैक डालेगी। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, फरीदाबाद न्यूज स्टेशन।